फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश में जो पिछली बार पटवारी का एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम में जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे गए थे, मैं उन क्वेश्चनों को आपके सामने लेकर आया हूं। अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो वो क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इन्हें देख कर आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पिछली बार एग्ज़ाम में पूछे गए थे और आगे क्या पूछे जा सकते हैं। साथ ही आप अपनी तैयारी को भी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यह क्वेश्चन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यह एग्ज़ाम 18 दिसंबर 2017 सेप्टर 2 के पेपर में क्वेश्चन थे जो पूछे गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है? तो पश्चिमी पठार मध्य प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है, बाकी के 3 मध्य प्रदेश के प्राकृतिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, भारत की प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक अशिमा चटर्जी ने किस क्षेत्र में योगदान दिया था, जिन्हें गूगल द्वारा भी सम्मानित किया गया था? वह प्राकृतिक उत्पाद रसायन के क्षेत्र में योगदान दिया था। नेक्स्ट, भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? तो एम हिदायतुल्ला हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो यह 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय फिल्म को आस्कर 2018 की में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि मिली थी? तो न्यूटन फिल्म थी, उसको वह पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट, BCCI में सुधारों के लिए निम्नलिखित समितियों में से किसने सर्वोच्च न्यायालय को रिपोर्ट सौंपी थी? तो RM लोधा समिति को रिपोर्ट सौंपी थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना के एकमात्र मार्शल का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हुआ था? तो अर्जन सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिब्बती बौद्ध धर्म के डोगोंगेन मठ को भारत में कहाँ पुनर्स्थापित किया गया है? तो है कर्नाटक में स्थापित किया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एयर इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबंध निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रदीप सिंह खरोला हैं। नेक्स्ट, दूरदर्शन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं आगे भी कई इंपॉर्टेंट वीडियो आपके सामने लाता रहूँगा। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी हैं? तो महानदी हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन स्थित है? तो सिंगरौली में यह स्थित है। इंदौर शहर में पानी की आपूर्ति का मुख्य स्रोत कौन सी नदी है? तो नर्मदा नदी है। ठीक है दोस्तों, मोरेना जिले का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ऐती में है स्थित है ये। नेक्स्ट, प्रसिद्ध कवि माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कहाँ हुआ है? तो होशंगाबाद जिले में इनका जन्म हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवास में प्रसिद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो खियोनी वन्यजीव अभ्यारण्य है। देवास में जो वन्यजीव अभ्यारण्य है उसका नाम खियोनी वन्यजीव अभ्यारण्य है। बड़वानी के उत्तर की ओर स्थित जिले का नाम क्या है? तो धार जिला है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी नदी नर्मदा के समांतर बहती है? तो ताप्ती नदी है जो नर्मदा के समांतर बहती है। कंचनघाट नदी किस नदी के तट पर स्थित है? तो वैतवा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, 2016-17 के रणजी ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट का अंतिम मैच कहाँ आयोजित किया गया था? तो है मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। ठीक है दोस्तों, जो 20 क्वेश्चन पिछली बार एग्जाम में पूछे गए थे, यह कंप्लीट हुए। आशा करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।